अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कैनवा के बारे में बताऊंगा कि कैनवा क्या चीज़ है, और आप अगर YouTube से रिलेटेड एक अच्छा थंबनेल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप कैनवा को सिलेक्ट करें। तो कैनवा आपने पहले लिखना है, कैनवा फ्री डाउनलोड लिखेंगे आप, यहाँ पे पहला लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, इसको आपने सिंपली आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप इसको कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद आपने कैनवा आपके पास डेस्कटॉप पे आ जाएगा, उस पर डबल क्लिक करके उसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद आपके पास डिफरेंट यहाँ पे आप देखें ऊपर लिखा हुआ है व्हाट विल यू डिज़ाइन, आप क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं, बेशुमार आपको यहाँ पे उन्होंने चीज़ें दिखाई हुई हैं। मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो मज़ीद और चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। मैंने आपको बताया थंबनेल जो है वो कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे टॉप पे आपको ये जो नज़र आ रहे हैं, ये जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने आ जाना है सोशल मीडिया, क्योंकि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे, सोशल मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, राइट साइड पे आके एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद आपके सामने कुछ चीज़ें और सामने शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा है यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, ये आपने सिंपली यहाँ क्लिक करना है यूट्यूब थंबनेल पे। अब आपके पास यूट्यूब का थंबनेल जो है वो सामने मुख्तलिफ डिज़ाइन, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। बस एक ध्यान में रखनी है, कुछ टेम्पलेट्स फ्री हैं और कुछ जो है वो पेड हैं। अगर पेड वर्जन आपने लिया हुआ है तो फिर तो आपके लिए मसला नहीं है, आपके पास हर किस्म के टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हैं तो फ्री में भी अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड। इसमें कोई वो नहीं है कि आपके पास चंद एक हैं और 5-10 आप उनको यूज़ करेंगे और यूज़ ही नहीं कर सकते, अनलिमिटेड आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अब मेरे पास ये टेम्पलेट्स यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ये ओपन होने लगे हैं, तो यहाँ से मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये देखें, ये जहाँ पर ये निशान बना हुआ है ना, ये तीन कोनों वाला, ये इस इमेज के यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला निशान, ये ठीक है, ये आपका होगा पेड वर्जन का, बाकी जितने हैं वो आपके होंगे फ्री के। अब सपोज जिस पे आप लाते हैं ये आपको फ्री नज़र आ रहा है, ये देखें। ठीक है, अब सपोज आपने इसी पे काम करना है, मैंने इस पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे हो जाएगा ओपन। ठीक है, आप अगर स्क्रीन बड़ी करना चाहें तो नीचे आपके पास 49% पे ये बार दिया हुआ, आप इसको ग्रेटर करके स्क्रीन बड़ी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात, यहाँ सपोज ये आपने यहाँ अपनी तस्वीर लगानी है, ये बैक पे एक तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, एक बैक पे लगी है, उसके बाद एक और आपके सामने लगी हुई है तस्वीर। आप क्या करते हो, इस जहाँ पे ये पाँव दिखाई दे रहे हैं, इस तस्वीर पर टच करके इसको किया यहाँ से डिलीट, डिलीट एलिमेंट राइट साइड पर गए हैं। ठीक है, डिलीट एलिमेंट से हो गई है डिलीट। अब यहाँ से क्या करते हैं, मैं पिक्चर एक मेरी अपनी पड़ी है, मैं वही पिक्चर ले आता हूँ आपको समझाने के लिए, मैंने वो पिक्चर यहाँ ला के छोड़ दी। ठीक है, अब पिक्चर मेरी यहाँ पे आ जाएगी, इसको मैंने फिर खुद एडजस्ट कर देना है इसके मुताबिक। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी पिक्चर ये यूज़ की है थंबनेल्स में, और मोस्टली यूज़ की जाती है थंबनेल में। अब ये देखिए, ये मेरे पास आ गई है, तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसके ऊपर ले आता हूँ, इसके ऊपर ला के इसको मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये नीचे से इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा, तो रोटेट होने के बाद ये मैंने पिक्चर्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, उसके लिए पहले ही माजरत। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, अब इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं, तो ये यहाँ पे जैसे ही एडजस्ट होती है, ये देखें, आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छी एडजस्ट हुई है। अब मैं साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी, ये मेरे पास एडजस्ट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है आप वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस टेक्स्ट को आपने मिटाना है, इस टेक्स्ट की जगह पर आप सपोज नाम लिखना चाहते हैं, सॉरी इसको मैं पूरे को सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे इसको मिटा के अब आप नाम लिख दें, ये मैंने नाम लिख दिया है। ठीक है, और इसको आप जहाँ एडजस्ट करना है आप कर दें। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा आप इसको डिलीट कर दें, आप यहाँ लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट पे आ जाइए, देखें ये टेक्स्ट पे आ जाइए, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास टेक्स्ट के डिफरेंट टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आपको जो टेम्पलेट अच्छा लग रहा है आप उस टेम्पलेट पिक करें, ये देखें यहाँ पर ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके पास मौजूद हैं। ये नीचे आते जाएँ, ये कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, ये जो जिनके नीचे गोल्डन सा निशान है, तीन ऊपर ये इसके ऊपर लाइन सी हैं, ये पेड वर्जन है, बाकी फ्री हैं। तो फ्री वाले भी बहुत कमाल के यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से फ्री वाले यूज़ कर लें आप। ठीक है, अब बैक पे ये देखें, यहाँ पे ये तस्वीर ये पहले से जो है उन्होंने लगाई हुई है, अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पर जाके आप डिलीट, और ये देखें ये डिलीट हो गई है, और अगर आपने डिलीट नहीं करनी तो आप इसको डिलीट ना करें, कंट्रोल जेड कर दें। ठीक है, और ये देखें ये अपने ये बैक साइड पे ये एक लाइन लगी हुई है ये नाम के। ठीक है,
इसको आपने थोड़ा सा और बड़ा करना है, उस साइड में आपने इसको थोड़ा सा खींचा और ये इसका साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये इसको एडजस्ट कर लें, इसका साइज़ एग्जैक्ट है। आपने फिर क्या करना है, जब ये सब कुछ ओके हो गया है, डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ से ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे आपने कौन सी फाइल करना है, तो आप जेपीजी में करेंगे। जेपीजी सेलेक्ट करने के बाद इसको करेंगे डाउनलोड, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड जैसे स्टार्ट होता है आपके पास ये लोकेशन मांगेगा कि आप अपने पीसी में कौन सी लोकेशन पे इसको स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जैसे सेव होता है मैं इसको करता हूँ यहाँ पे अपने पास डेस्कटॉप पे स्टोर करता हूँ, ठीक है। मैंने एक कल परसों भी थंबनेल बनाया, आपको वो भी दिखा देता हूँ। और आज की इस वीडियो पे जो थंबनेल लगा वो भी मैंने इसी में ही बनाया, तो मैं आपको थंबनेल दिखाता हूँ कि वो आपको थंबनेल कैसा लगा है, ठीक है। तो अभी ये सेव हो रही है, ठीक है। तो जैसे ये सेव होती है तो फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कैसे आपको लगती है, ठीक है। तो ये बहुत ही कमाल की जो है ये कैनवा जो है ये एप्लीकेशन है। अब इसको यूज़ करें, ये देखें ये लोकेशन मांग रहा है, मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से कर दिया सेव, ठीक है। तो अब ये यहाँ से इसको इससे आपने परेशान नहीं होना, इसको आप क्लोज़ कर दें शायद। और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ करने के बाद ये देखें जी मेरे पास ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव हो के आ गई। इसको मैंने डबल क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रही, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये सिस्टम में क्योंकि मेरे पास ये लैपटॉप है नॉर्मल सा, यहाँ पर ये ओपन सही नहीं हो रही, ठीक है। तो उसके अलावा मेरे पास सॉरी एक मिनट, ये मैंने एक कल जो है थंबनेल एक डिज़ाइन किया है, ये देखें ये कल थंबनेल एक मैंने डिज़ाइन किया है, तो ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने थंबनेल डिज़ाइन करनी है कैनवा में से, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी लेक्चर्स भी मैं कैनवा पे आपको दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।